एवरीवन, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंट्रोल पैनल। जी हाँ, कंट्रोल पैनल ANP 2000 का कंट्रोल पैनल, जो कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सारी जानकारी दूंगा। फिलहाल बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो आइए बताता हूँ आप। तो आइए देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा कंट्रोल पैनल ANP 2000 का, और ये रहा कंप्यूटर जिससे हम रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट बनाने के लिए है, यहाँ से रिपोर्ट हम ये कंप्यूटर से निकालते हैं। और अभी मिक्स बन रहा है, अभी 1200 का बैच चल रहा है अभी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर फीडर की कंट्रोलिंग की जाती है यहाँ से। और यहाँ से देख सकते हैं आप मोटर है यहाँ पर, यहाँ से मोटर को चालू किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लोअर और इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग सारी सेटिंग की जाती है। उसके बाद ही प्लांट ऑटो कंटिन्यू चलता है। ऑटो कंटिन्यू का मतलब है ऑटोमेटिक चलता है, एक बार चालू करके छोड़ दो और इसको देखते रहो, चलते रहता है। तो आइए बताता हूँ आपको कि किस टाइप से हमारे यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर किस टाइप से लगा रहता है कॉन्टैक्टर, उस टाइप बताता हूँ मैं आपको। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, यहाँ वाइब्रेटर स्क्रीन लिखी हुई है, ये कितने एम्पियर ले रही है वो यहाँ पर मेंशन हो रहा है, ये एम्पियर मीटर है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे ड्रम है, ड्रायल ड्रम, जो कितने एम्पियर ले रहा है, 15 से 20 के अंदर ले रहा है अभी ये। और ये ड्रम 3 और ड्रम 4 और ड्रम 1 है, नहीं ड्रम 2 है, ये ड्रम 3 ड्रम 4। और यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर हॉट एलिवेटर मोटर है, जो कितने एम्पियर ले रही है वो यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे वाइब्रेटर स्क्रीन है। और यहाँ पर बिटमिन स्प्रे पंप है, जो बिटमिन स्प्रे पंप कर रहा है वो कितने एम्पियर ले रहा है वो शो कर रहा है। ये मिक्सर है, जो मटेरियल को मिक्स कर रहा है उस पर कितनी लोड पड़ रहा है वो शो कर रहा है। और ये बर्नल फ्यूल पंप, जो कितने एम्पियर है अभी 5 से 5 साढ़े 5 6 तक जाता है, बाकी अच्छा लोड ले रहा है। एम्पियर का मतलब है अगर इससे हाई ऊपर ले रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है। ये है ब्लोवर, जो अभी 20 से 22 एम्पियर ले रहा है। और ये है एग्जेक्शन, जो अभी 125-130 एम्पियर ले रहा है। ये है बिटमिन ट्रांसफर पंप, जो अभी इतने एम्पियर ले रहा है देख सकते होंगे। और ये यहाँ पर दिखा रहा है करंट हमारा कितना लग रहा है, कितना लोड ले रहा है प्लांट, ये सारा कुछ इसमें मेंशन हो रहा है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंट्रोल सप्लाई, और इसके अंदर वायर वगैरह लगी हुई है। और आइए आपको दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के कंट्रोल पैनल के अंदर का MCB वगैरह। तो आइए दिखाता हूँ। तो ये है MCB, ऊपर बसवार लगा है, बसवार के नीचे MCB लगी हुई है, MCB, उसके बाद ये CT कॉइल है, ये CT कॉइल है। और इधर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ कॉन्टैक्टर लगे हैं, यहाँ से सारे मोटर के कॉन्टैक्टर हैं, जो पूरी मोटर को कंट्रोल करने में, ऑटो कंटिन्यू को कंट्रोल करने में सहायक करते हैं ये सारे कॉन्टैक्टर। देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देख पा रहे होंगे ये कूलिंग फैन की ये MCB है, सारी MCB यहाँ दी हुई है। और यहाँ देख पा रहे होंगे टर्मिनल लगे हुए हैं, और यहाँ देख पा रहे होंगे मोटरें की जितनी भी वायर्स वगैरह आई हैं यहाँ पर लगी हुई हैं सारी मोटरें की वायर। और यहाँ पर एक हमने MCB लगा रखी है, जिस जब यहाँ मॉइस्चर बनने लगता है तो हम ये बल्ब को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये बल्ब है जिसे हम ऑन कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ से मॉइस्चर नहीं बना पाता है। और आइए हम आपको दिखाते हैं इधर से, इधर दिखाते हैं आपको, आइए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से
एमसी भी दी हुई है। ये एग्जॉस्ट फैन की और ये है मिक्सर की और सीटी कॉइल है। सीटी कॉइल की मदद से ही हमको एम्पियर का पता चलता है कि कितना लोड ले रहा है और क्या हो रहा है। और यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ पर है टाइमर है और यहाँ पर कंट्रोलर सिस्टम है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे बी एफ डी लगी हुई है। बी एफ डी का मतलब होता है वेरिएबल कंट्रोलर ड्राइव। ये फीडर को की मोटर, कोई भी मोटर को ये अपने आप कंट्रोल कर सकती है ऑटोमेटिक। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टार डेल्टा मोटर की, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन की कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े हैं। और ये जो कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं ये तीनों ये मिक्सर के हैं। और यहाँ पर टर्मिनल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये मिक्सर की टर्मिनल है और यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन की टर्मिनल है। और ये है ट्रांसफार्मर जो बिजली को इकट्ठी करके रखता है मैनेज करके। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ से हम एयर कंप्रेसर को कंट्रोल करते हैं, ओवरसाइज वाइब्रेटर को। और यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेट तब कर देता है जो मटेरियल अगर ओवरफ्लो होता है, ओवर मटेरियल आ गया है तो यहाँ पर फीडर कंट्रोल कर वहाँ से कंट्रोल सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाता है स्पीड। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक लाइट जलती हुई नज़र आ रही होगी आपको, इसका मतलब ये है सीमेंट हमारा जो चल रहा है तो सीमेंट जब भर जाता है तो हाई लेवल इंडिकेटर यहाँ पर शो करने लगता है। तो इधर आइए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पर एमसीवी लगा हुआ है और यहाँ पर एचएमआई का G1 G2 है। अगर यहाँ पर करंट नहीं आएगा इसका मतलब है कि एचएमआई आपकी ऑन नहीं होगी। और यहाँ पर ये भी कॉन्टैक्टर हैं, रिले हैं और देख पा रहे होंगे वो भी कॉन्टैक्टर थे जो मैंने आपको बताया था, ये भी कॉन्टैक्टर हैं। और यहाँ पर एमसीबी और यहाँ पर टाइमर, इसको देख पा रहे होंगे इसको बोलते हैं टाइमर, जिसे हम किसी भी मोटर को कितने टाइम में ओपन क्लोज करवाना है वो उसके यूज में आता है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ फ्यूज लगा हुआ है जो अगर कोई भी ख़राब हो जाता है तो यहाँ से मोटर काम करना बंद कर देती है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ से, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो यहाँ की जो सप्लाई है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। तो आप यहाँ से आइए बताता हूँ। देख पा रहे होंगे एचएमआई के नीचे, जस्ट एचएमआई के नीचे रिले कार्ड लगा हुआ है और रिले कार्ड यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको डीसी सप्लाई मिलती है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे पीएलसी जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल, ये पीएलसी लगी हुई है यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ टर्मिनल लगे हैं, यहाँ पर फ्यूज लगे हुए हैं और यहाँ पर से लोड सेल लगा हुआ है जो वहाँ पर शो करवाता है एग्रीगेट को कि कितना लेना है मैनेज करके, वो सारी जानकारी देता है लोड सेल। और यहाँ पर ऊपर देखना चाहेंगे आप एचएमआई, जो यहाँ से सारा प्रोग्राम को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर साइड में टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर शो कर रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।